नमस्कार, समय में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेतांक। शुरुआत बड़ी खबर से। तो कर्नाटक के गुलबर्गा में हैदराबाद से पुणे जा रही दुरंतो एक्सप्रेस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत की खबर है। ट्रेन के 9 डिब्बे रात करीब 2:40 पर पटरी से उतरे। घटना गुलबर्गा जिले के मरतूर के पास हुई। इस हादसे में कुछ लोग जख्मी हुए हैं। बचाव और राहत का काम फिलहाल जारी है। रेलवे के वरिष्ठ आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। तो हादसे में दो लोगों की मौत की खबर है। रात 2:40 पर दो डिब्बे डीरेल हो जाते हैं और वो कोच पलटने से, जो ताजा खबर आ रही है कि उसमें दो लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। कर्नाटक में ट्रेन पटरी से उतरी, दो की मौत और कई लोग घायल हैं। गुलबर्गा के पास ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई। आपको बता दें कि ये ट्रेन हैदराबाद से पुणे की ओर जा रही थी और रात में करीब 2:40 पर मरतूर के पास ये हादसा हो गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसे में मारे गए लोगों की तादाद बढ़ सकती है। मध्यरात्रि को 2:15 पर यह हादसा हुआ था। जो ट्रेन इन्वॉल्व है वो 1220 सिकंदराबाद मुंबई एसी दुरंतो एक्सप्रेस है। इसके 9 डिब्बे डिरेल हुए थे। 9 डिब्बों में ये दुर्घटना जो है सेंट्रल रेलवे के शोलापुर डिवीजन में हुई और जिले के हिसाब से देखें तो कर्नाटका के गुलबर्गा जिले में हुई है। स्टेशन का नाम है मातुर और ये वाडी और शोलापुर स्टेशनों के बीच जगह पड़ती है। स्थिति यह है कि इस हादसे की वजह से अभी जो सूचना मिली है प्राथमिक, उसमें दो लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनको कि हमने गुलबर्गा अस्पताल में एडमिट किया है। हमारी मेडिकल रिलीफ ट्रेन जो है शोलापुर से भी पहुंच गई है, वाडी से भी पहुंच गई है। हमारे एडिशनल DRM शोलापुर डिवीजन के अपने ब्रांच ऑफिसर्स के साथ एक्सीडेंट साइट पे काफी पहले पहुंच चुके हैं और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे युद्ध स्तर पर हमारा वहां चल रहा है। तो सबसे बड़ा अपडेट ये कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है और पुष्टि हो गई है कि ये दुरंतो एक्सप्रेस थी जो हादसे का शिकार हुई। रात 2:15 यानी 2:15 गुलबर्गा के मरतूर के पास ये हादसा हुआ। 9 डिब्बे, दरअसल पहले जानकारी थी कि 2 डिब्बे डिरेल हुए हैं, लेकिन 9 डिब्बे पटरी से उतरे, उसके बाद कुछ डिब्बे पलट जाते हैं और फिलहाल दो लोगों की मौत की पुष्टि है और जख्मी लोगों को गुलबर्गा के अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अनिल सक्सेना रेलवे के CPRO बता रहे थे कि मेडिकल रिलीफ ट्रेन पहुंच गई है, युद्ध स्तर पर काम जारी है, रेलवे के तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। आपसे कुछ दिन पहले ही कर्नाटक में एक और रेल हादसा हुआ था जिसमें कांग्रेस के विधायक की मौत हो गई थी। हिंदुस्तान में आजादी के बाद से लगातार रेलवे को सुरक्षित बनाने की बड़े बड़े दावे घोषणाएं की जाती रही हैं। रेल बजट में हर बार रेलवे सिक्योरिटी के नाम पर बजट भी बढ़ाया जाता है, लेकिन दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।